तो साथियों, बेडरूम एक की वायरिंग किया गया स्विचबोर्ड देखें। इसमें दो स्विच हैं, एक लाइट के लिए और दूसरा पंखे के लिए। पंखे का एक रेगुलेटर और 5 एम्पियर के प्लग सॉकेट हैं। अब हमें लाइट और पंखे को स्विच बोर्ड से जोड़ना है। काश मैं इसे रिमोट कंट्रोल से कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो आइए शुरू करें। चरण एक, मेन इनपुट सप्लाई बंद करें। चरण दो, स्विच बोर्ड से निम्नलिखित तक के लिए माप टेप से जरूरी तार और वायर केसिंग स्ट्रिप की लंबाई मापें। ट्यूबलाइट का जंक्शन बॉक्स और पंखे का जंक्शन बॉक्स। चरण तीन, जरूरी मात्रा में केसिंग स्ट्रिप काटें। माप टेप से उतनी केसिंग स्ट्रिप मापें और उस पर निशान लगाएं जितना जरूरी है। काटने वाली आरी ब्लेड से जरूरी केसिंग स्ट्रिप काटें और इसे तैयार रखें। चरण चार, पंखे और ट्यूबलाइट के लिए रोल से जरूरी तार निकालें। रोल में से नीली तार के 1 1 वर्ग मिलीमीटर के 2 टुकड़े निकालें, एक पंखे के लिए और दूसरा ट्यूबलाइट जंक्शन बॉक्स के लिए। न्यूट्रल कनेक्शन के लिए एक काली तार लें। वायर स्ट्रिपर से प्रत्येक जंक्शन बॉक्स की लंबाई के अनुसार तार काटें। चरण पांच, वायर स्ट्रिपर से सभी तारों के दोनों छोर छीलें और इन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार रखें। तार छीलने के लिए हमेशा वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल करें, न कि ब्लेड का, क्योंकि ब्लेड से तार कट सकती है या आपको चोट पहुंच सकती है। चरण छह, तारों को जंक्शन बॉक्स तक ले जाने के लिए तारों के लिए केसिंग कवर लगाएं। ड्रिलिंग से छेद करने के लिए निचली केसिंग स्ट्रिपों में ज्यादा ज्यादा दूरी पर निशान लगाएं। स्विच बोर्ड के छोर से शुरू करते हुए निचले केसिंग स्ट्रिप को दीवार पर रखें। ड्रिल मशीन से निशान लगाई गई जगहों पर छेद करें। पेचकस से पेचकसें ताकि निचली केसिंग दीवार पर जम जाए। स्विच बोर्ड के छोर से शुरू करते हुए जंक्शन बॉक्स तक अन्य केसिंग स्ट्रिपों को भी इसी तरह लगाएं। सीढ़ी से पंखे और ट्यूबलाइट के जंक्शन बॉक्सों तक केसिंग स्ट्रिप लगाने का काम पूरा करें। चरण सात, तारों को उनके संबंधित जंक्शन बॉक्सों तक ले जाएं। तार पकड़ें और उन्हें पर्याप्त लंबाई तक दीवार पर लगाए गए निचले केसिंग कवरों के ऊपर तक ले जाएं। केसिंग कवर को लोअर केसिंग के ऊपर लगाएं। यही प्रक्रिया दोहराएं और जंक्शन बॉक्सों तक जाने वाली सभी तारों को केसिंग कवरों से ढक दें। अब हम इन तारों को स्विच बोर्ड से जोड़ेंगे। चरण आठ, पेच निकालकर स्विच बोर्ड पैनल खोलें। चरण नौ, ट्यूबलाइट जंक्शन बॉक्स वायर को स्विच बोर्ड पर लाइट स्विच के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ें। केसिंग स्ट्रिप से निकलती हुई ट्यूब लाइट जंक्शन बॉक्स से नीली तार लें और इसे स्विच बोर्ड पर लाइट स्विच के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ें।
चरण 10। इसी प्रकार पंखे के जंक्शन बॉक्स से नीली तार लें और इसे स्विच बोर्ड पर पंखे के रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ें। इसी प्रकार पंखे के जंक्शन बॉक्स से नीली तार लें और इसे स्विच बोर्ड पर पंखे के रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ें। चरण 11। न्यूट्रल काली तार को 3-पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ें। अब केसिंग स्ट्रिप से काली तार लें और इसे 3-पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ें। चरण 12। पेचकस से सभी टर्मिनलों के पेचों को बांध दें। ये सुनिश्चित करें कि जंक्शन बॉक्स तक ले जाए जाने वाली सभी तारें स्विच बोर्ड से बाहर हैं। चरण 13। स्विच बोर्ड के अगले पैनल को पिछले पैनल पर पेचकस के साथ पेचकस दें। चरण 14। सीलिंग रोज को जंक्शन बॉक्स पर लगा दें। ड्रिलिंग से छेद करें और चकोर बॉक्स को दीवार पर लगाकर इसे पेचों से कस दें। एक चकोर बॉक्स लें और जंक्शन बॉक्स की फेज और न्यूट्रल वायर को इसमें दी गई जगहों से निकालें। अब सीलिंग रोज लें और फेज और न्यूट्रल वायर दोनों को सीलिंग रोज और फेज और न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ें। अब सीलिंग रोज को चकोर बॉक्स के साथ लगा दें और पेच कस दें। इसी प्रक्रिया को दूसरे जंक्शन बॉक्सों के लिए भी इस्तेमाल करें। इस प्रकार स्विच बोर्ड से जंक्शन बॉक्स तक की वायरिंग पूरी हो गई। यह बहुत बड़ा काम था, लेकिन हमने पूरा कर दिया।